दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज़। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना और साथ में ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ पब्लिक के सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात की जो जानकारी दी गई है वो खुद शिवसेना के ही सांसद संजय राउत के द्वारा दी गई है। आप सबको पता होगा कि कल जो है संजय राउत के द्वारा बोला गया था कि वो जो है आज राजभवन में, शिवसेना राजभवन में आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कई बड़े खुलासे किए जाएंगे। तो अभी जैसा कि अपडेट आ रही है, यहां पर बताया जा रहा है कि आज जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर उनके द्वारा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और साथ में ही एक बहुत ही बड़ी साजिश जो है वो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को गिराने के लिए कर रही है। पिछले कुछ टाइम से लगातार 20 नेता जो है बीजेपी के, वो शिवसेना के सांसद संजय राउत से मिलने आए थे, जिसके बाद इस बात की जानकारी जो है उनको हुई है। साथ में ही संजय राउत के द्वारा बोला गया है कि महाराष्ट्र में जल्द ही राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा और राष्ट्रपति शासन लागू करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा डेट भी दिया गया है 10 मार्च का। आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले अभी चंद्रकांत पाटिल, जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनके द्वारा भी इसी तरह का अपडेट दिया गया था कि महाराष्ट्र में 10 मार्च को महाराष्ट्र सरकार जो है गिर जाएगी। अब इसको लेकर खुद जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा दावा किया गया है कि ये बात सच है और लगातार जो है बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार को गिरा दिया जाए और 10 मार्च को लेकर एक बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराने के लिए, वो भी बीजेपी पार्टी की तरफ से। ये सीधे सीधे आरोप लगाया गया है वो भी शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा, और साथ में ही संजय राउत ने बीजेपी के ऊपर और कई बड़े आरोप लगाए हैं जिसके बारे में अभी तक कुछ अपडेट नहीं आई है। उसको मैं शाम तक आप लोगों को कन्फर्म कर दूंगा कि आखिरकार संजय राउत ने और क्या क्या अपडेट जो है बीजेपी को लेकर दी है। अभी भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लगातार चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।